नमोमि कृष्ण पादाय कृष्ण कृष्णाय निखिल श्रीमते गोपाल कृष्ण गोस्वामी इति नामिने प्रभु पादस्य साहित्यम यह प्रकाश उत्तीर्य च प्रचारम कृत्वा न साधु गोपादाय इति नमः। परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। काफ़ी देर से आप सब लोग इतनी अच्छी अच्छी बातें बता रहे हैं, तो मैं ये सोच रही थी कि आप लोग कितने भाग्यशाली हैं कि किसी न किसी तरीके से आप सब लोगों को गुरु महाराज से पर्सनली मिलने का, उनके साथ रहने का और सेवा करने का अवसर आप सबको मिला। तो एक्चुअली हम लोग जो है आर्मी, मेरे हस्बैंड आर्मी में है और ट्रांसफरेबल जॉब होता है, तो लास्ट पोस्टिंग हमारी चॉइस की होती है। तो जब चॉइस की पोस्टिंग आई तो उस समय मेरी बेटी दिल्ली में तैयारी कर रही थी एमबीए की, तो हम लोगों ने सोचा कि बेटी को सपोर्ट करने के लिए दिल्ली जाना चाहिए। तो हम लोग उस समय दिल्ली गए चॉइस पोस्टिंग लेकर के, और वहाँ जाने के बाद हमारे पड़ोस में ठीक नेक्स्ट मेरी एक माताजी थी। वो माताजी मतलब बिल्कुल हर समय फुल मूड में, घूमना फिरना, खाना, अच्छे अच्छे कपड़े पहनना, पार्टी जाना, होटल, ये सब उनको बहुत अच्छा लगता था। तो एक पड़ोस में थी तो बातचीत होता रहता था, तो मैंने पूछा कि यहाँ कोई मंदिर या कुछ ऐसा है क्या करके, तो उन्होंने बताया कि पास में एक माताजी हैं, उनको हम हरे कृष्णा माताजी बोलते हैं और वो हर समय हरे कृष्णा कुछ कुछ करती रहती हैं, एकादशी के दिन भजन कीर्तन होता है ये सब। तो मैंने कहा आप मुझे उनसे मिलवा दीजिए। तो एक दिन वो मुझे साथ लेके गई और ले जा करके वहाँ छोड़ के और वो वापस आ गई। और आज भी मतलब 2 साल हो गया, कभी कभी कांटेक्ट होता है तो उन माताजी से मैं बात करती हूँ, तो आज भी वो लाइफ को वैसे ही एंजॉय कर रही है। लेकिन उनकी वजह से मैं अपनी जो शिक्षा गुरु हैं कविता माताजी, उनसे मिली वहाँ पर, और डेली हम लोगों का एकादशी में कीर्तन होना या कोई किसी ने लड्डू गोपाल लाया है तो उसका अभिषेक हो रहा है, इस बहाने हम सब मिलते थे। फिर धीरे धीरे करके वहाँ से मेरी पोस्टिंग आ गई, और हम पोस्टिंग मीन्स रिटायरमेंट हो गया, बिलासपुर आ गए। और बिलासपुर आने के बाद हम मतलब ऑनलाइन कांटेक्ट में थे, फिर किसी तरह ऐसे ही अचानक क्लास शुरू हो गई। क्लास में हमारा सब शिक्षा दीक्षा से रिलेटेड सब चीज़ें हमको सिखाया गया थोड़ा बहुत, और जो सीखते सीखते और कब और कैसे और कहाँ से हमको गुरु महाराज का आश्रय मिल गया ये हमको कुछ नहीं पता। तो इसके लिए मैं सबसे पहले तो अपनी बेटी को धन्यवाद कहती हूँ जिसकी वजह से हम दिल्ली गए, नहीं तो शायद हमको गुरु महाराज का आश्रय नहीं मिलता। मिलता जरूर पर महाराज का नहीं मिल पाता। और दूसरा मैं उन पथ प्रदर्शक अलका माता जी का, जो आज भी पार्टियाँ एंजॉय करती हैं लेकिन मुझे वो वहाँ तक पहुँचा के उन्होंने छोड़ दिया, ये उनको मैं आज भी धन्यवाद करती हूँ उसके लिए। तो गुरु महाराज से मिलना हमारे तो इतना हमारे हम उस योग्य ही नहीं है कि महाराज के साथ हम शायद इतना और मिल पाए और या उनसे हम इंटरेक्ट कर पाए, और दूर भी हम लोग रहते हैं और ज़्यादा दिन भी नहीं हुआ है हमको अभी, तो इस हिसाब से हम महाराज से सिर्फ 2 बार मिले, 3 बार। एक बार तो इंटरव्यू हुआ तब, और एक बार जब दीक्षा हुई तब, और ऐसे पर्सनल बातचीत बिल्कुल भी नहीं हुई। और लेकिन उससे ज़्यादा एक बहुत ही अच्छा वाला जो मुलाकात हुआ, एक बार मैं और माधव प्रेसी माता जी हम लोग उसमें स्कॉन में मंगला आरती के लिए गए थे, तो मंगला आरती में राउंड टेम्पल का लगा रहे थे, तो हम इधर से जा रहे थे और सामने से महाराज आ रहे थे, एकदम आमने सामने हो गए हम लोग। और मैं तो बिल्कुल शॉक हो गई देख करके, क्योंकि उनके चेहरे पे इतनी ज़्यादा तेज था, जैसे ये लाइट जल रहा है ना कुछ इस तरीके का तेज था, मतलब आँख ऐसे खुल गई, नींद कहाँ गया पता नहीं एकदम। और बाकी लोग हटो 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 बोल करके महाराज को लेके जा रहे थे, हम तो किनारे खड़े हो गए, तब हमारी दीक्षा इच्छा की वो नहीं थी, हाथ जोड़ के खड़े रहे। लेकिन वो महाराज का जो मुलाकात है वो बिल्कुल स्मरण में है और हमेशा रहेगा, क्योंकि मतलब ऐसा तेज मैंने सच में नहीं देखा। वो जो भगवद गीता में बताते हैं ना विराट स्वरूप वाला तेज, वैसे ही दिखा मुझे और बहुत अच्छा लगा, वो बहुत ही अच्छी फीलिंग उस समय आई। और एक मुलाकात स्वप्न में भी हुआ है महाराज के साथ, और ऐसा हुआ कि मैंने देखा कि बहुत बड़ा क्राउड है, 1000 की क्राउड है, बहुत ज़्यादा, और सभी लोग हरे कृष्णा जप रहे हैं, हरे कृष्णा महामंत्र को, और एक स्टेज लगा हुआ है। उस स्टेज में गुरु महाराज आए और एक तरफ से उन्होंने एंटर किया, स्टेज पे चढ़े और सबको प्रणाम किया और दूसरी तरफ से निकल गए।
तो महाराज एक तरफ से जब चढ़ रहे थे तो वो सन्यासी का वस्त्र पहने थे, लेकिन जब दूसरे तरफ से उतरे तो उन्होंने ना वो बनियाइन पहना हुआ था। कुछ ऐसा स्वप्न में मैंने देखा। अब उसका क्या कारण था, क्या है वो मुझे तो नहीं पता, लेकिन वो भी मुझे लगता है कि साक्षात मुलाकात हुआ उनके साथ में, महाराज के साथ में। इतना ही है। और मुझे बहुत इच्छा थी कि महाराज से मैं एक बार पर्सनली मिल सकती, लेकिन हो नहीं पाया। और जब कभी महाराज की याद आती है तो मैं क्या करती हूँ कि उनके जो दिए हुआ माला है उस माला को स्पर्श करती हूँ। मुझे लगता है कि महाराज ने उसको उसमें माला जप किया है और उसको टच किया है, स्पर्श किया है, तो उसको फील करने की कोशिश करती हूँ। तो यही बात अभी मैं अभी ग्लोरिफिकेशन सुन रही थी तो एक प्रभु जी बता रहे थे कि महाराज स्वयं, मतलब जब कभी कोई अच्छा कहीं लेक्चर देने जाते थे या कुछ उनको कुछ काम होता था तो सबसे पहले अपने गुरु महाराज का यानी शिला प्रभुपाद के माला को वो टच करते थे और आशीर्वाद लेते थे या जो भी है। तो मुझे इतना अच्छा लगा कि मैं तो अनजाने में कर रही थी और वो बिल्कुल सही था जो मैं सोच रही थी, वो महाराज स्वयं करते थे। तो मुझे अच्छा लगा ये बात। और क्या बोलते हैं, ग्लोरीफिकेशन वगैरह इन दिनों काफ़ी सुना मैंने और महाराज के बारे में जाना, क्योंकि हमको वाकई बहुत कम समय हुआ है महाराज के साथ, उतना जो होना चाहिए वो अभी हो नहीं पाया। तो लेकिन महाराज के बारे में लगातार अभी जो ग्लोरीफिकेशन सुन रहे थे तो उसमें पता चलता है कि महाराज कितने सिद्ध थे। कि एक बता रहे थे एक प्रभु जी की, बोले एक बार ऐसी व्यास पूजा हो रही थी और उनके उनको किसी ने ना पश्मीना शॉल गिफ्ट किया था, तो उनको ये इच्छा थी कि वो गुरु महाराज को दे सकते तो ज़्यादा अच्छा था, उनके ज़्यादा योग्य है। लेकिन वो ये सोच ही रहे थे कि किसी ने उनको बुलाया कि आपको महाराज बुला रहे हैं। और जब वो वहाँ गए तो महाराज ने बोला कि क्या नाम था हमारा प्रभु जी का, उनसे बोला कि आपके पास कोई शॉल है क्या, मुझे शॉल की ज़रूरत है। तो वो इतने एकदम आश्चर्यचकित हो गए कि मैं अभी सोच ही रहा था कि मुझे शॉल देना है और उनको शॉल महाराज ने बुला के मांगा। उसके बाद जाके उन्होंने उनको शॉल दिया और बहुत खुश हुए कि मेरी मन की इच्छा पूरी हुई करके। फिर महाराज ने थोड़ा देर उसको ओढ़ा और उसके बाद उसको वापस किया, तो बोले प्रसाद के स्वरूप मैंने उनको रखा हुआ है। और महाराज का और भी हम देख रहे थे, कल ही देख रही थी कि वो जो उनके मसाज के लिए जो अपॉइंट किए गए थे सेवा के लिए प्रभु जी, वो बता रहे थे कि हम जब उनकी सेवा करते थे, मालिश करते थे, फिर उनके बाद उनको बताते थे कि आपका शरीर काफ़ी गर्म हो चुका है तो अभी आप स्नान मत कीजिएगा कम से कम आधा घंटा। लेकिन महाराज को तो एक मिनट को यूटिलाइज करना होता था, तो वो जैसे ही वो छोड़ते थे मालिश को विद इन 5 मिनट वो बाथरूम में होते थे। क्योंकि कोई ये ना कहे कि सन्यासी सिर्फ खा पी करके सोता है, ऐसा बोल रहे थे हंस के कि लोग ये कहेंगे अदरवाइज, बाकी वो अपने शरीर की और किसी चीज़ की चिंता नहीं करते थे, लगातार सेवा भाव में ही और रहते थे। और क्या बोलते हैं, और भी ऐसे बहुत सारा कि जब भी वो कहीं ट्रेवल करते थे तो लगातार नाम जप ही करते रहते थे या प्रभुपाद की भूख पढ़ते रहते थे, एक मिनट भी वो कभी वेस्ट नहीं करते थे। इवन अभी वो जब हाई फ्लो ऑक्सीजन उसमें भी थे बता रहे, तो भी थोड़ी देर के लिए भी अगर उनको कॉन्शियसनेस आता था तो वो अपने सब पूछते थे कि उनका क्या हुआ, उसका क्या हुआ, इतनी चिंता रखते थे। मतलब ये सोचने वाली बात है बहुत ज़्यादा। और हम तो उनका ग्लोरीफिकेशन क्या ही कर सकेंगे, बाकी उनका अगर उनकी जो क्वालिटीज़ है वो तो जीवों के ऊपर दया बताते हैं कि एक डॉगी बहुत शोर। हाँ, अभी मायापुर गए थे, एक प्रभु जी बता रहे थे कि मायापुर गए थे तो वो रेस्ट कर रहे थे, तो TOVP में जब काम चल रहा तो बहुत ज़्यादा ठक 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 की आवाज़ आ रही थी। तो उनके जो सेवा कर रहे हैं उन प्रभु जी ने कहा कि मैं महाराज खिड़की बंद कर देता हूँ, आपको डिस्टर्ब हो रहा होगा। बोले अरे नहीं, बोले ये जो ठक ठक है ना तुमको ठक ठक लग रहा होगा, मुझे तो ये बहुत सुंदर और सुमधुर मतलब संगीत की तरह लग रहा है, क्योंकि ये हमारा बरसों का स्वप्न है और ये जो ठक ठक है ना मुझे परेशान नहीं कर रहा है, मुझे ये मधुर संगीत की तरह लग रहा है। तो इस तरीके से है। और भी बहुत सारा कि वो डॉग हल्ला कर रहा है बहुत ज़्यादा, तो मधुमंगल प्रभु बोल रहे हैं मैं भगा के आता हूँ। तो उनको 4 बार बुलाया उन्होंने, एक बार बोला कि देखो उसको ना ज़्यादा मारना और ना नहीं, ठीक है प्रभु महाराज करके जा रहे हैं। फिर बोले अच्छा सुनो मधुमंगल, उसको ना अभी इतनी सर्दी वो कहाँ जाएगा, इसको रात को यही रहने दो, ये दिल्ली की बात है, यही रहने दो बोल रहे हैं। फिर उसके बाद फिर जा रहे हैं तो फिर बोलता अच्छा सुनो वापस आओ, उसको ना चुप बस करा देना धीरे से। बोले ठीक है। फिर जा रहे हैं तो बोलता अच्छा सुनो उसको चुप तो कराओगे लेकिन उसको कष्ट मत देना, ऐसा करना उसको कुछ प्रसाद वगैरह दे देना वो चुप हो जाएगा।
एक बार ऐसी महाराज के लेक्चर में बिल्ली आ गई थी, तो बिल्ली को उन्होंने दूध पिलाया। और एक बार ऐसी वो ट्रैवल कर रहे थे तो कोई चिड़िया उनके गाड़ी से टकरा गई थी, तो वो काफ़ी दूर समय शायद वो कोई गायत्री कर रहे थे क्या था, तो वो कुछ देर बोलना नहीं था, तो थोड़ा दूर तक तो निकल गए, लेकिन जाने के बाद जैसे ही उनका साधना कंप्लीट हुई तो उन्होंने कहा कि गाड़ी वापस लो। फिर वो वापस लिए गाड़ी को, बोले कि उस चिड़िया का पता करो क्या हुआ जो टक्कर खा गई थी। फिर उसको उठाया, उसको सेवा की और उसके बाद उसको छोड़ के आगे गए। तो ये मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम डिस्क्राइब तो कर ही नहीं सकते। अगर वो कहते हैं ना कि वो प्रभुपाद की सेना के बहुत बड़े योद्धा थे, जीते जी उन्होंने जो भी किया वो युद्ध स्तर पर किया, एक बहुत बड़े योद्धा के रूप में किया, और इवन उन्होंने जब देह त्याग किया तो भी वो योद्धा की तरह ही यहाँ से प्रस्थान किए। तो उनके गुणों का कोई यदि 0.00001% भी हम लोग कुछ अपने जीवन में ला सके तो ये हमारे जीवन के लिए बहुत ज़्यादा कल्याण की बात होगी। इतना ही कहकर मैं अभी वाणी को विराम दूंगी। हरे कृष्णा।